महिला सुरक्षा की बात करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस खुद ही आए दिन महिलाओं से बदसलूकी करती नजर आती है। ताजा मामला झांसी से सामने आया, जहां एक दारोगा ने फरियाद लेकर थाने पहुंची एक महिला से बदसलूकी कर यूपी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि मामले में एसएसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। मामला झांसी के थाना प्रेमनगर का है, जहां तैनात दारोगा संदीप यादव ने फरियादी महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वहीं फरियादी के बेटे ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद से ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग दारोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये महिलाएं जमीनी प्रकरण के मामले को लेकर थाने में पहुंची थी, जहां पर दारोगा बदसलूकी करते नजर आए हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि जिनसे हम लगातार इंसाफ की गुहार लगाते हैं, वो ही महिलाओं के साथ लगातार बदसलूकी कर रहे हैं। यूपी के झांसी का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा गुस्से में, उसने यही कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दारोगा पर एक्शन लिया जाना चाहिए।